हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। WHO ने चीन में रहस्यमयी निमोनिया फैलने की खबरों के बीच जारी किए बचाव के एहतियाती उपाय। WHO ने चीन में रहस्यमयी निमोनिया फैलने की रिपोर्ट के बीच श्वसन संबंधित बीमारी के खतरे को कम करने के लिए बचाव के एहतियाती उपाय बताए हैं। WHO ने संबंधित वैक्सीनेशन करवाने, बीमार लोगों से दूर रहने, बीमार होने पर घर पर रहने, आवश्यकता के अनुसार जाँच करवाने व चिकित्सकीय देखभाल लेने, मास्क पहनने और नियमित हाथ धोने को कहा है। WHO ने कहा है कि नई बीमारी के संबंध में विस्तृत जानकारी चीन दे। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 2018 के मुकाबले 40% बढ़ी दोबारा चुनाव लड़ रहे 93% विधायकों की संपत्ति। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में दोबारा चुनाव लड़ रहे 93% विधायकों की औसत संपत्ति 2018 के मुकाबले 40% बढ़ी है। 2018 में इन विधायकों की औसत संपत्ति 7,10,00,000 रुपए थी, जो कि 2023 में उम्मीदवारों के हालिया हलफनामे के अनुसार बढ़कर 9,97,00,000 रुपए हो गई है। गौरतलब है कि 200 में से 173 विधायक फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीकानेर पूर्व सीट से बीजेपी के विधायक सिद्धि कुमारी की संपत्ति 4,66,00,000 रुपए से बढ़कर 102,27,00,000 रुपए हो गई है। लक्ष्मण हो सकते हैं फुल टाइम कोच। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का 2 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राहुल इस पद पर और नहीं बने रहना चाहते हैं, जिसकी सूचना उन्होंने BCCI को दे दी है। इस बीच खबर ये आ रही है कि द्रविड़ की अनुपस्थिति में अक्सर टीम इंडिया को कोचिंग देने वाले VVS लक्ष्मण को फुल टाइम कोच बनाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कमाने में सक्षम दंपत्ति को गुजारा भत्ता की अनुमति नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पति से अलग रह रही एक महिला द्वारा पति से गुजारा भत्ता की मांग वाली याचिका पर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि कमाने की योग्यता रखने वाली पत्नी या पति को बेरोजगार रहने और खर्चों का बोझ अपने जीवन साथी पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। महिला ने दावा किया था कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और महिला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने की जानकारी भी दी थी, जिस पर हाईकोर्ट की यह टिप्पणी आई है। कभी भी बाहर आ सकते हैं फंसे हुए टनल में 41 मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सलकियारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को आज बाहर निकाला जा सकता है। टनल के अंदर करीब 32 इंच का पाइप डाला जा रहा है, जिसके बाद कभी भी मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। मौके पर 41 एम्बुलेंस खड़ी है, जिनके जरिए उन्हें पहले से रेडी 41 बेड के अस्पताल में ले जाया जाएगा और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स में भी लाया जाएगा। DGCA के डायरेक्टर हुए भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड। सरकार ने नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA में डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पोर्ट्स कैप्टन अनिल गिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अनिल गिल को भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी मामले में हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे किसी भी मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरिराज सिंह ने CM नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा बिहार में भी लगे बैन। बिहार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर लिखा है। उन्होंने मांग की है कि यूपी की तरह ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचने पर विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में अनेक खाद्य पदार्थों जैसे कि खाद्य तेल, नमकीन, ड्राई फ्रूट, मिठाइयों, कॉस्मेटिक, दवाइयों एवं मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार हो रहा है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।